दोस्तों, अगर आप भी RRCER रेलवे अप्रेंटिस के फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और डॉक्यूमेंट वगैरह जो यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनका साइज वगैरह सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनको PDF में बदलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं कुछ क्वेश्चन के आंसर और प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आज तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारियों की और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वगैरह मिलते रहे। और साथ में दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है जिसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या इस ऐप से दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो इसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह काफी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर आप अमेज़न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके फोन में डायरेक्ट अमेज़न ओपन हो जाएगा, जहां से आप कोई भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अब बेसिकली जब आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो दोस्तों, ये ऐप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर लेगा कि आपने क्या प्रोडक्ट यहां से मंगाया है। और कुछ टाइम बाद जब ये आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो इसके बाद कुछ कैशबैक वगैरह और कुछ कमीशन वगैरह आपको उस प्रोडक्ट को मंगाने का आपके पास लौट कर आ जाएगा, जिससे आप काफी ज्यादा रुपए वगैरह और अर्निंग वगैरह कर सकते हैं, यहां पर रुपए भी बचा सकते हैं। या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो आप इसी ऐप के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट की लिंक जनरेट करके उसको व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा सकते हैं, जिस लिंक पर क्लिक करके अगर आपका फ्रेंड कोई प्रोडक्ट बाय कर लेता है तो भी यहां पर आपको कमीशन मिल जाता है। जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों, पिछले महीने मैंने इस ऐप के थ्रू लगभग 5,000 के आसपास रुपए विड्रॉल किए थे। काफी काम का ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूं जहां पर हमें फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और यहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, तो सभी की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करवा देता हूं जिसका आप यूज करेंगे यहां पर साइज वगैरह सेट करने में और किसी फाइल को PDF वगैरह में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं formjankari.com पर। जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहां पर आपको यूजफुल फाइल का ऑप्शन नजर आएगा जिसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहां पर आपको जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनका कोई चार्ज वगैरह नहीं कटेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है वो है रायोट सॉफ्टवेयर, जिसके आप यूज करके बड़े आराम से यहां पर किसी भी फाइल का साइज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आप दोस्तों फर्स्ट स्टोन इमेज व्यूअर को भी डाउनलोड कर लीजिए, इसके मदद से आप यहां पर किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को, मतलब जो इमेज फाइल होती है उसको PDF वगैरह में बदल सकते हैं। जैसे यहां पर जो फाइलें वगैरह मांगी जा रही है वो PDF में मांगी जा रही है, तो हम इसकी मदद से इसको PDF वगैरह में कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों, फाइल वगैरह अपलोड करने से पहले हम इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने से रिलेटेड। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है स्कैन फोटोग्राफ से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कैंडिडेट को 3 महीने ज्यादा पुरानी फोटो अपलोड नहीं करनी है यहां पर, और फोटोग्राफ कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, और जो फोटो हो वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, कोई कैप वगैरह आपको नहीं लगानी, ना ही कोई सनग्लासेस वगैरह लगाने हैं फोटो में, और जो आप सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे वो भी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और साफ सुथरे होनी चाहिए। कोशिश करिएगा दोस्तों आप यहाँ पर जो फोटो अपलोड करें वो व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो हो, वैसे तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो हो तो आपके फोटो के रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो साइन आप अपलोड करेंगे वो व्हाइट पेपर पर, प्लेन पेपर पर, बिना लाइन वाले पेपर पर आपको साइन करने हैं। साइन आपको कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं, अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में करने हैं, चाहे तो आप यहाँ पर हिंदी में भी साइन कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा साइन को आप ब्लैक पेन से करें, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर ज्यादातर नए फॉर्म आ रहे हैं उन सभी में यहाँ पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर वगैरह मांगे जाते हैं, जिस वजह से आपके साइन यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होंगे। ब्लू पेन से क्या रहता है, साइन वगैरह स्कैन करते टाइम हल्के हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो इस वजह से साइन रिजेक्ट हो सकते हैं आपके। यहाँ पर जो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है वो सभी PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। NCDBT ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, SC ST वगैरह अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर हम साइज की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में, और सिग्नेचर का साइज 10 से 40 KB के बीच में आपको रखना है। इसी तरीके से थंब इंप्रेशन का साइज भी 10 से 40 KB के बीच में आपको रखना पड़ेगा, और जितने भी आप PDF फॉर्मेट में फाइल वगैरह अपलोड करेंगे उसका साइज 100 से 300 KB के बीच में अपलोड करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं अभी आपको सभी की प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर साइज वगैरह सेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है। मान लीजिए दोस्तों मुझे ये वाली फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज वगैरह मुझे सेट करना पड़ेगा 20 से 50 KB के बीच में, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं राइट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ और फोटो को उठाकर इसमें रख लूंगा। अब आपको यहाँ पर रिसाइज वाला जो ऑप्शन नजर आएगा छोटा सा कंप्रेस टू साइज वाले ऑप्शन के बगल में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। इसमें आपको वेट देख लेना है 450 डाल देना है, हाइट डाल देना है 550, इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पर ऑप्टिमाइज इमेज का साइज वगैरह नजर आएगा, मतलब कि जो आपकी फोटो सेव होगी वो इस साइज में सेव होगी। आपको यहाँ पर देखना है 20 से 50 KB के बीच में आपका साइज वगैरह हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा। इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज कम होने लगेगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा। आप अपने
अकॉर्डिंग साइज वगैरह यहाँ पर सेट कर दीजिए। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं और इसको हम अपलोड कर देते हैं। फोटो हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर के बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह पहले ही बता दिए थे। ये वाले मुझे साइन यहाँ पर अपलोड करने हैं। साइज इसका रखना है हमें 10 से 20 KB के बीच में, तो साइन को उठाकर इसमें रख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको रिसाइज वाले ऑप्शन पर वापस आना है। वेथ में आपको डाल देना है 550, हाइट में डाल देना है 250, या फिर आप यहाँ पर 300-350 भी डाल सकते हैं हाइट में, क्योंकि साइन के केस में रहता है दोस्तों चौड़ाई ज्यादा रहती है, हाइट वगैरह कम रहती है। तो हाइट को हम कम रखेंगे, वेथ को हम ज्यादा रखेंगे। यहाँ पर टिक लगा तो टिक हटा देना, इसके बाद ओके कर देना है। क्वालिटी का ऑप्शन जो आपको नजर आएगा इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइज कम होने लगेगा। राइट साइड में लेके जाएंगे साइज बढ़ने लगेगा। साइज को हम यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में आपको रख कर लेना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम इसको भी अपलोड कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है साइन भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हमें अपलोड करना है, तो इसको भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये रहे मेरे पास थंब इंप्रेशन, इसका साइज वगैरह सेट करना पड़ेगा 10 से 40 KB के बीच में, तो इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। उठाकर इस पर रख देता हूँ। यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ रिसाइज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर डाल देना है आपको 400, यहाँ पर डाल देना है 300। आपको देख लेना थंब इंप्रेशन जो आपके हों वो इसी तरीके से, मतलब चौड़ाई वगैरह में हों थोड़े, आपको इस तरीके से थंब इंप्रेशन नहीं लगाने हैं। वैसे आपको देख लेना है 400 लिखी हो, हाइट देख लेना है 300 लिखी हो। यहाँ पर टिक वगैरह लगाओ तो हटा देना। इसके बाद आपको यहाँ पर साइज वगैरह डालना पड़ेगा। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे क्वालिटी का ऑप्शन जो आपको नजर आएगा, इसके थ्रू आप यहाँ पर साइज वगैरह सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 30-31 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और इसको हम अपलोड कर लेते हैं। तीनों चीजें हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर 8th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका साइज सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्कशीट हम स्कैन करते हैं उसका साइज 1-2 MB में जा रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका साइज कम करना पड़ेगा 100 से 300 KB के बीच में। तो मान लीजिए एक बार मेरे पास सैंपल मार्कशीट डली हुई है, इसका साइज वैसे तो मेरा सही होगा 206 KB का है, लेकिन मान लीजिए आपकी इमेज का साइज यहाँ पर ज्यादा हो रहा हो, तो राइट सॉफ्टवेयर आप इसी तरीके से यूज करेंगे। फोटो को उठाकर इसमें रख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको रिसाइज वाले ऑप्शन पर करना है उसी तरीके से क्लिक। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। वेथ में डाल देना है आपको 700, हाइट में डाल देना है 1000। इसके बाद ओके कर देना है। क्वालिटी का ऑप्शन जो आपको नजर आएगा, इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज कम होने लगेगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा। तो साइज में हम लोगों को देखना है 100 से 300 KB के बीच में अपन को साइज कर लेना है इसका। तो मैंने यहाँ पर 200 KB के आसपास इसका साइज कर लिया है। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अब दोस्तों ये वाली फाइल हमारी सेव हो गई है 200 KB के आसपास। इसको हमें वो कन्वर्ट करना है PDF में। तो PDF में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बताया था फर्स्ट स्टोन इमेज व्यूअर, आपको उसका यूज करना है। इसको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ में आपको आ जाना है। फर्स्ट स्टोन इमेज व्यूअर में आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है तो ये आपके सामने ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। तो इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से फर्स्ट स्टोन इमेज व्यूअर को भी और इसको ओपन कर लेते हैं अपन। इसके बाद इसको हमें सेव करना है, तो राइट क्लिक करना है अभी इस पर और सेवेज का आपको ऑप्शन नजर आएगा। इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर नीचे आपको JPG फॉर्मेट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे आखिरी में आपको PDF का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका आप चाहे जो नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं 8th की मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ तो मैं 8 डाल दे रहा हूँ, 10th की मार्कशीट अपलोड करूँगा तो 10 डाल दूंगा, चाहे तो आप मार्कशीट भी कुछ भी मतलब यहाँ पर नाम डाल सकते हैं आप। तो ये हमारी मार्कशीट PDF में कन्वर्ट हो चुकी है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, यानी कि आपको सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला किसी भी क्लास में, तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन में एक ही चीज अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है, तो मैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट स्कैन कर लूंगा और दोनों 10th वाले ऑप्शन जो भी मेरे पास है उसमें 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर लूंगा। भले ही वहां पर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है तो हम वहां पर मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको 8th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं मिला है, तो आप 8th की मार्कशीट वाले ऑप्शन में मार्कशीट अपलोड कर देंगे और सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में भी हम यहाँ पर 8th की मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। एज प्रूफ में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ITI में ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है और नीचे ITI वाला सर्टिफिकेट अगर आपको अलग से मिला है तो उसको आप स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके नीचे अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना है तो उसको भी आपको इसी तरीके से PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल्स वगैरह अपलोड करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखी है, मेरे ब्लॉगिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जैसे कि मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है मैंने।